हेलो गाइस, माय नेम इज़ मेहताब और आप सब लोग देख रहे हैं मेहताब ब्लॉग्स। तो गाइस, आप लोगों को क्या ही बोलूँगा, मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग आया था उस ब्लॉग में आप लोग मतलब मेरे को इतना ज़्यादा प्यार दिया, मैं मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाया था इतना प्यार मिलेगा आप लोगों से। तो आप लोगों के मतलब दिल से शुक्रिया, मतलब दिल से थैंक यू भाई। तो क्या ही बोलूँगा, मतलब कुछ बोलने के लिए है ही नहीं मेरे, मतलब सब बोलने के लिए, सब जो भी बोलो आप लोगों को बोलने के लिए कम है। तो आप लोग जो हो मतलब बहुत अच्छे हो भाई। तो आज मेरा सेकंड वीडियो आ रहा है, तो सेकंड वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला मिर्जुमला दिखाने वाला हूँ। और सब लोग बोलते हैं मिर्जुमला, ऐसा नाम नहीं है, उसका नाम है मिर्जुमला। तो आप लोगों को मिर्जुमला दिखाने वाला हूँ, सब कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। Feel the ground shaking underneath, try to take me alive. तो गाइस, हम लोग आ गया मिर्जुमला, एंट्री हो गया। तो अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके पूरी दिखा देंगे मतलब आप लोगों को जो जो है उसमें। इस साइड में आपको मनके से जाते हुए रास्ता मिलेगा और इस साइड पे आपको कब्रिस्तान मिलेगा इस साइड पर। तो हम लोग आ गया, अभी ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो इधर मतलब मस्जिद का बैक साइड है, ये फ्रंट में जाके आप लोगों को दिखाते हैं। ये मस्जिद का बैक साइड है। हम लोग आ गए ऊपर, ऊपर आने पर यहाँ पर वजू खाना मिलेगा और इधर से एंट्री होता है। तो आ गया मस्जिद के फ्रंट पर, ये है मिर्जुमला मस्जिद, आप लोग देख सकते हो। तो ये मस्जिद है, और इधर आप सब लोग मतलब ईद का माड होता है, यहाँ पर ईद का नमाज पढ़ा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ईद का जो नमाज होता है वो यहीं से पढ़ाया जाता है।
यहाँ पर हुजूर रहता है और यहाँ पर जो जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं सब लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जो फील्ड है मतलब यहाँ पर नमाज़ पढ़ाया जाता है, इधर सब लोग बैठते हैं और हमारा हुजूर साहब यहाँ से सब लोगों को नमाज़ पढ़ाते हैं। यही वो जगह है, अब सब लोग देख सकते हो अच्छी तरह से, पूरा दिखाती हूँ लोगों को। ये है तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मिर्जुमला का जो मतलब कबर स्थान है, मतलब मिर्जुमला का जो आदमी था उसका जो कबर है वो दिखाते हैं आप लोगों को। और वो आता है इधर यहाँ पर, ये जो मैंने आप लोगों अभी बोला था ना जहाँ पर नमाज़ पढ़ाया जाता है वो है यहाँ पर। इसका ठीक बैक साइड में आके आपको मिर्जुमला का कबर मिलेगा, मतलब जो आदमी था मिर्जुमला उसका कबर मिलेगा। और ये है वो कबर, इस ब्लैक वाला, ये है वो कबर, ये है और कबर है ये है वो ब्लैक वाला कबर। यहाँ पर लिखा है मिर्जुमला का मतलब बॉर्न हुआ था 1591 और डेथ हुआ था 1663 को, 30 मार्च को मतलब दिन को उसका डेथ हुआ था यहाँ पर। और यह देख सकते हैं उसके साथ जो लोग आया था उन लोगों का कबर है वहाँ पर, वो वाइट वाला, वो भी दिखा दी आप लोगों को। यही है वाइट वाला, ये है मुझे मतलब कबर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, मतलब पूरा देखने की कोशिश। ये देखिए ये बहुत लंबा है, मतलब इसमें से लोग बोल रहे कि मतलब 14 हाथ बोलते हैं ना उसको, 14 हैंड लंबा है इसका कबर। बहुत मतलब आदमी ये है बहुत बड़ा था ये है। और एक बात आप लोगों को मैं बोलता हूँ, ये जो मिर्जुमला का जो नाम है सब लोग बोलते हैं मिर्जुमला, ऐसा नाम नहीं है इसका, वो रियल नाम है मिर्जुमला, MIRJUMLA, इसका यही नाम है मिर्जुमला। तो सब लोग सही तरह से नाम बोलिए, मतलब सब लोग भूल नाम बोलते हैं, मतलब रॉन्ग नाम बोलते हैं मिर्जुमला, ये नाम नहीं है, इसका नाम है मिर्जुमला। तो गाइस अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं मिर्जुमला का बैक साइड, मतलब बैक साइड जो मेघालय से जब लोग आता है तो वो लोग बैक साइड से एंट्री करता है, तो वो बैक साइड दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। और ये है बैक साइड का गेट, तो ये गेट से नीचे जाना पड़ता है, ये बैक साइड का गेट। इधर पूरा उस साइड मतलब उस साइड मेघालय है, इस साइड भी मेघालय है और इस साइड आसाम पड़ता है। तो ये है मिर्जुमला का बैक साइड का गेट, और इधर से मतलब नीचे जाने पर और एक गेट मिलता है, वहाँ से एंट्री होता है। इधर से इस दोनों साइड पे कब्रिस्तान है, यहाँ पर कब्रिस्तान है, यहाँ पर कब्रिस्तान है। तो ये है बैक साइड से जो एंट्री होता है गेट, तो देख सकते हो इधर पेट्रोल पंप है, इधर रास्ता है, इधर से मेघालय जाता है, इधर भी मेघालय जाता है और इधर आसाम होकर एंट्री करता है। और यह है बैक साइड मिर्जुमला का गेट का बैक साइड है, तो इधर से जाता है मतलब।
तो गाइस वीडियो हो गए ख़त्म। तो आप लोगों को दिखा दिया पूरा मिर्जुमला, मतलब मिर्जुमला में जो जो था सब कुछ दिखा दिया आप लोगों को। तो आशा करते हैं इस वीडियो में भी अगली वीडियो की तरह मतलब प्यार दिखाते रहिए आप लोग। तो मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट कर देना। और मतलब ये वीडियो जो आप लोग देख लिए ब्लॉग, तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग सब लोग कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।